हाँ, ये बहुत एक बहुत शुभ संकेत है। धन्यवाद मधु जी को और प्रियंका चोपड़ा जी को, जिन्होंने, और सिद्धार्थ जिन्होंने बहुत ऑनलाइन एज ए प्रोडक्शन और एज ए प्रोड्यूसर मेहनत की कि एक बहुत बड़ी फिल्म, एक सौगात भोजपुरी सिनेमा को लेके उसकी आज शुरुआत श्री गणेश हो रहा है। तो इट्स अ हैप्पी डेज लाइक यू नो फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि जिस फिल्म का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से था, वो फिल्म की डबिंग से हम लोग आज टेक ऑफ कर रहे हैं। मैम, ये मूवी कैसे डिफरेंट है बाकी जो आपकी आई थी काशी से? क्या उसका सीक्वल है या नेक्स्ट पार्ट है? नहीं, उसका सीक्वल तो है नहीं, पर हाँ, काशी हमने अपने लिए एक दिनेश लाल जी को एसोसिएट कर दिया है काशी से। किसी ज़माने में निरहुआ थे, अब हम उनको एलिवेट करके काशी बना दें। और पिछले फिल्म में भी वो काशी थी, इस दफ़ा भी काशी। क्या डिफरेंट है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमरनाथ, हाँ, अमरनाथ जो कैरेक्टर इसमें डाल दिए हैं। और ये फिल्म में आपको भोजपुरी वाली वो जो एक कड़वाहट थी वो आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल जो प्योर भोजपुरी कहानी पहले हुआ करता था, और अब हम चाहते हैं कि हम भोजपुरी को उस लेवल पे लाएं कि आप इज्जत के साथ भोजपुरी फिल्म बोलें तो लगे कि वाह क्या बनाएं। तो मैं चाहती हूँ कि हम, मेरा घर है तो मैं चाहती हूँ, मेरी भाषा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सारे लोग इज्जत से देखें, इज्जत करें। तो हमारी फिल्म उस दर्जे का है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिल्म रवि जी, जो अमरनाथ का किरदार है, क्या ये नेगेटिव शेड का रोल है? नहीं, ये अमरनाथ, अब ये बहुत प्रेम करता है, ये अपनी बहन से प्रेम करता है, ये अपने परिवार से प्रेम करता है, अमरनाथ अपने संस्कृति से प्रेम करता है। सो ही इज़ बेसिकली अ लवर, और वो पूरी तरह से प्रेमी है, और अपनी बहन के प्रेम में वो आउट ऑफ द वे जाता है। फिर उसकी लाइफ में एक डॉक्टर भी, एक नर्स भी आती है, और कैसे डिफरेंसेस होते हैं। और आपको सुभाष घाई जी की सौदागर भी याद आ जाएगी, फिर ये गंगा मियाँ तुम्हें पेरी चढ़े वो भी याद आ जाएगी, नाज़िर हुसैन साहब की जो 1961 में भोजपुरी फिल्म बनी थी। डायलॉगबाजी में संतोष मिश्रा जी ने एकदम मतलब कमाल कर दिया है, शब्दों का चयन उन्होंने डायलॉग्स में बहुत अच्छा रखा है। लोकेशंस के लिए मैं झारखंड सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार ने हम लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों की मदद की, और झारक्राफ्ट से लेके उनका कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग, हमारी फिल्म को बड़ा रिच बनाने में झारखंड की पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये क्या है कि झारखंड की सुंदरता हमारी फिल्म द्वारा दिखेगी, झारखंड में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है सरकार के वो हमारी फिल्म के द्वारा और हमारी कहानी में कैसे मर्ज हुए हैं वो आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इंटायर भोजपुरी सिनेमा और बहुत सारे सिनेमा दर्शक और मेकर्स झारखंड की ओर रुख करेंगे काशी अमरनाथ देखकर। रवि जी, मधुमेह, प्रियंका जी, ये इस तरह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, पहली फिल्म की, मैडम ने भी दूसरी फिल्म कर ली है, शायद आगे तीसरी भी की जाएगी, क्या अच्छे संकेत हैं इस इंडस्ट्री के लिए? ये बहुत बड़े संकेत हैं। सबसे बड़ा कि मधु मैम का पैशन, इनकी ऑनेस्टी, ये बड़े अब बहुत ही प्राउडली देखती हैं भोजपुरी को। अगर किसी ने भोजपुरी को कुछ कहा तो इनको बहुत फील होता, एंड दैट शी डजंट लाइक इट। और ये बड़ी जेन्युइन, ये बड़ी स्ट्रेट हैं, इनके पास, इनको वो तियां पांचा बात करना नहीं आता, ये स्ट्रेट बात करती हैं, इनको स्ट्रेट चीज़ें पसंद हैं, इनकी बिलीव जो होती है ये उस पर अटल रहती हैं, विच आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। कि अगर ये मानती हैं कि मुझे भोजपुरी को एक दिशा देनी है और उस पर ही अटल हैं, और शी विल कीप ऑन मेकिंग फिल्म्स, शी विल डेफिनेटली, वेदर शी लूज मनी, शी, वो पहली बात तो भोजपुरी फिल्म पैसे के लिए नहीं बना रही हैं, मराठी फिल्म, उनका एक पैशन है सिनेमा बनाना, एक अपनी अपना एक ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना और काफ़ी लोगों को रोज़ी रोज़गार देना। तो बहुत सारे इनके अच्छे ख्यालात हैं, और उसमें आज भोजपुरी इंडस्ट्री बिकॉज इन्होंने शुरू किया, उसके बाद मुझे लगता है 20-25 नए और बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े लोग आने शुरू कर दिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बम बम काशी के बाद से काफ़ी उछाल आया। सो ऑल थैंक्स टू हर। मैम, एंटीलेटर में प्रियंका जी खुद थी, उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था उसमें, क्या किसी भोजपुरी मूवी में भी हम प्रियंका चोपड़ा को देख पाएंगे? अगर कोई स्क्रिप्ट उनको पसंद आएगा तो उनको किसी जाति, किसी जगह, किसी भाषा से कोई परहेज है नहीं, उसको जहाँ जो स्क्रिप्ट के पीछे वो रहती हैं, स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा तो कोई सी भी भाषा में कर लेंगे। अच्छा, जब शूट चल रही थी मधु मैम झारखंड में, आप गए, आपने देखा लोकेशन, शूट आपने देखा किस तरह से काम कर रहे हैं, एक्टर्स आपके सेटिस्फाइड काम कर रहे हैं? बहुत गर्मी थी पर इन लोगों ने तो भी अच्छा सा कर लिया, हमारा साथ दिया, बहुत ऑप्टिमम कंडीशंस जो हम बॉम्बे में दे सकते थे वो हम दे नहीं पाए वहाँ पर। जैसे ये बता रहे, झारखंड सरकार बहुत सपोर्ट की,
CCL का पूरा कैंपस हमारे को अवेलेबल किया गया, तो ऐसे इनका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे जो पूरी कास्ट, पूरी क्रू, सारे लोग जो रांची के थे, जो रांची के नहीं थे, बाहर से थे, सब ने बहुत साथ दिया। और इम्पोर्टेंटली मेरा बेटा बीच में जाके वो भी सपोर्ट करे, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी ना प्रियंका, तो ये जाके बहुत कमान संभाले। सिद्धार्थ थ्रू आउट वहाँ पे रहे, मैं चाहूँगा सिद्धार्थ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप हैं सिद्धार्थ चोपड़ा, ये हमेशा छिपके रहते हैं, देख रहे हो एकदम क्वाइट, बट ये पूरे 45 डिग्री में ये हमें ये वहाँ पर अटल रहे। ही इज़ टू स्लीप एट 2-3 इन द मॉर्निंग एंड ही इज़ टू बी अप बाय 6:37 और इस सेट पर 8:30 बजे क्रू के साथ हो जाते थे। तो मैं चाहूँगा आप इनसे ज़रूर सवाल करें। एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। आई मीन कम्पेयर्ड, मेरी लास्ट फिल्म जो मैंने किया था सरवन था, उसके तहत काशी अमरनाथ बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। वर्क एथिक्स कमाल के थे एंड शुक्र है टाइमली मैनर में सारा कुछ काम चल रहा था। एंड एज एवरी वन राइटफुली सेड कि झारक्राफ्ट एंड झारखंड गवर्नमेंट रियली सपोर्टेड अस। जब भी हम लोग को कुछ रिक्वायर्ड होता था तो हम लोग को टाइमली मैनर पर चीज़ें मिल जाती थी। सारा शूट का भी प्लान संतोष जी ने कमाल का किया हुआ था, तो उस हिसाब से प्लान के मुताबिक सब अच्छे से जा रहा था। एक हिंदी फिल्म करना और एक भोजपुरी फिल्म करना, कुछ अंतर फील हुआ आपको? आई मीन सरवन तो पंजाबी थी एंड काशी अमरनाथ भोजपुरी, डेफिनेटली अंतर है क्योंकि कल्चर्स में अंतर है, इंडस्ट्रीज में अंतर है। सो यू हैव टू वर्क बेसिस द इंडस्ट्री नॉर्म्स। जो पंजाब इंडस्ट्री के नॉर्म्स अलग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के नॉर्म्स अलग हैं, तो आपको उस तरह से अडेप्ट करना पड़ता है और उसी हिसाब से आप काम कर सकते हो। रवि जी, अब रिलीज के बारे में हमें बताइए ऑडियंस को, काशी अमरनाथ तक। हाँ मैम, कौन सा डेट आपने तय किया? भगवान ने साथ दिया और चाहा तो हम लोग 18 अक्टूबर को रिलीज करेंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ दिन है, 18 अक्टूबर को हमारे। अब प्रमोशंस की क्या तैयारियां हैं मधु मैम? अभी तो फिल्म कंप्लीट हो, इनकी डबिंग बाकी है, बहुत लार्ज स्केल में प्रमोशन का प्लान है, इसलिए हमने इतना वक्त लिया कि हड़बड़ में गड़बड़ वो नहीं करेंगे इस दफ़ा। बहुत प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे से और सुचारू तरीके से करेंगे इस दफ़ा। रवि भी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? यही कि धन्यवाद देव, हम सब लोग उनके प्रणाम करब। बहुत कम आई ला हम न्यूज़ वगैरह में, हम क्षमा करे, हम बहुत कम आप लोग हमके देखेला, हमार PR बहुत कमज़ोर बा, लेकिन जब भी हम मौका मिलला हम समक्ष आ गए। यह कहब कि इतना साल से, 25 साल से हमरा के हीरो बना के रखले बाड़ा, सुपरस्टार 17-18 साल से बना के रखले बाड़ा, कोटि कोटि नमन। और आखिरी सांस तक मैं आप लोगों को आनंद देता रहूँगा और इस भोजपुरी को जितनी ऊंचाई देना है उससे देंगे। और 30 तारीख को ये भोजपुरी सिनेमा अब जा रहा है लंदन में अवार्ड करने के लिए, तो 30 जुलाई को, तो हम लोग जिस तरह मधु मैम सोच रहे हैं उस तरह एक पूरी इंडस्ट्री भी उठना चाह रही है। सो वी आर ट्राइंग एंड आप लोग आशीर्वाद बनाओ और अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में मधु मैम की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से हमेशा आती रहेंगी। आप लोगों को अश्लीलता के शब्दों से बहुत दूर ले जाने का प्रयास है और ये वचन है हमारा। बस यही कह के मैं धन्यवाद दूंगा। काशी अमरनाथ 18 अक्टूबर को आ रही है और ये मधु जी, प्रियंका चोपड़ा जी का, संतोष मिश्रा जी का, दिनेश लाल यादव निरहुआ अम्रपाली का, हमारा सपना जी का, सिद्धार्थ चोपड़ा का एक बहुत बड़ा एक सपना है, एक बहुत अच्छा ड्रीम है भोजपुरी के उत्थान के लिए। ज़रूर आप लोग देखिएगा 18 अक्टूबर, काशी अमरनाथ का आशीर्वाद आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मैम क्या संदेशा देंगी आप? आपके आप फैंस आपके हो चुके हैं सब। आप सबको धन्यवाद कि आप एक तो पहले आप आए हैं और हमारी आवाज़ को हमारे आवाम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, इसका आपको धन्यवाद सबसे पहले। और मैं चाहती हूं कि आप हमारा साथ देते रहें ताकि हमारे प्रमोशंस में चार चांद लगे और हम खूब बढ़िया फिल्म बढ़िया तरीके से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा पाएँ। रवि जी अभी भी जिंदगी झंड है? जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, एक ही मंत्र है उसका, मैं आज हम आप मीडिया भाइयों के साथ मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिंदगी झंड मतलब लाइफ में नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा अच्छा करते रहें, कभी लाइफ में लो फेज भी आता है, बट वो एटीट्यूड जो स्वाभिमान है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, उसको हमेशा आप लोग ऑन रखना। तो जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा का इसका मतलब यही था। तो ये एटीट्यूड आप जीवित रखना, ये भारतीय लोगों की पहचान है। हम लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट इज ही पावर है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो मुझे लगता है फिर जीवन में कुछ नहीं। थैंक यू।